बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यमी रेसिपी कटलेट्स विद स्पेशल इंग्रेडिएंट। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है, हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए ऐसे कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं अपनी रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आने वाले हैं, खुश आमदीद, वेलकम आप सबको। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले आपको मौसूल हो। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिए हैं 7 से 8 अदद आलू। इन्हें हमने बॉईल कर लिया है और इसे क्रश कर लेते हैं या फिर पीस लेते हैं हम। बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से इसका मसाला बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, आलू को हमने अच्छे से पीस लिया है। इसके अंदर शामिल कर रहे हैं एक छोटा प्याज, चॉप किया है हमने उसे, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें काट लिया है बारीक बारीक। यहाँ पर हमारे पास है एक छोटा कैप्सिकम का पीस, उसे हमने चॉप कर लिया है, और 1 कप धनिया, इसे भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हम 1 चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चम्मच अनारदाना। ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये डाल रहे हैं हम 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर हमने शामिल किया। अगर आप स्पाइस ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप स्पाइस ज़्यादा कर सकते हैं। और हसबे जायका नमक शामिल किया हमने। ये इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हम 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच इसके अंदर डालेंगे देगी मिर्च, बेर मिर्च भी इसे कहते हैं, दड़ा मिर्च भी कहते हैं। अब मसाले को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। हम इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे और देखिए मसाले की यहाँ पर खुशबू भी आ रही है। जब ये बनकर तैयार होंगे तो आप हाथ नहीं रोक पाएंगे खाने से। ये फास्ट फूड बन जाता है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। और ये देख लीजिए मसाला तैयार हो चुका। अब हम इसके कटलेट्स बना लेते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से रोल स्टाइल में इसके कटलेट्स बनाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतने कटलेट्स बना लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमने ली है 1 कढ़ाई, इसे नॉर्मल फ्लेम पे चूल्हे पे रखा है। इसके अंदर ऑयल शामिल किया हमने, इतनी क्वांटिटी में हमने ऑयल डाला है ये देख लीजिए। प्लेट के अंदर हमने डाला है कॉर्नफ्लोर। एक कटलेट्स को हमने उठाया और इसे हमने कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप किया और फिर इसे पानी के अंदर डिप करके अगेन कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप किया। इसकी एक कोटिंग कर लेंगे पाउडर, कॉर्नफ्लोर पाउडर से, बिल्कुल इसी तरह से। और वन बाय वन इसे हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। ऑयल हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हम इसे पलट लेते हैं, ज़्यादा नहीं पकाएंगे कहीं ये जल ना जाए। कॉर्नफ्लोर से इसका टेस्ट क्रंची होगा, इसके अंदर एक क्रंचीपन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए बन चुके हैं कटलेट्स। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। प्लेट के अंदर हमने कटलेट्स को निकाल लिया है। इसे होममेड टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। होममेड टमाटो केचप की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतने मज़ेदार यमी क्रंची से हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं, कटलेट्स विद स्पेशल इंग्रेडिएंट। तो फ्रेंड्स, बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली आने वाली मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। अल्लाह हाफिज़।